नमस्कार, न्यूज बकेट की टीम आपको लेकर आ गई है एक गांव में। दरअसल शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का यह गांव और यहां पर बहुत सारे लड़का लोग हमें मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में पढ़ाई लिखाई बंद चल रहा है, तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी टीम, आप देखेगी कि हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है और हमारी नज़र जैसे इन तक पहुँची तो हम भी यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। छत पर बकायदा ये एकांत में गंगा के किनारे या छत बना हुआ है और यहाँ पर ये सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक गाने को शूट कर रहे हैं जो भोजपुरी का गाना है। भोजपुरी आजकल गाँव के लोगों के रगों रगों में बस गया है और इसी चीज़ को लेकर ये अपने छोटे से संसाधन में इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे आर्टिस्ट हैं जिनका किसी पर ध्यान नहीं जाता है। तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होती, तो वही प्रतिभा ये अपने खुद के सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के दम पर लोगों के सामने लाना चाह रहे थे। बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे कलाकार हैं, तो ये डांस स्टेप जो आप देख रहे थे वो यही दोनों बंदे कर रहे थे। तो क्या नाम है आपका? विशाल साहनी। क्या करते हो आप? हम पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 9th 10th में गए हैं। 9th से 10th में चले गए तो पता ही नहीं चला ना? नहीं पता चला। ठीक है, तो डांस में कौन सा गाने पर बेहतर डांस आता है? मुझको आता है कमरिया दर्द के। कमरिया दर्द के बाद पूरी सॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा? जी हो जाएगा। बजाओ भैया। बजा दीजिए। तो ये लड़का जो है वो कमरिया दर्द करे एक भोजपुरी का गाना है, उस पर हमें डांस करके दिखाना चाहते हैं। हम तो कहेंगे कि कैमरामैन से वो जरा दिखाएं, उनको रिकॉर्ड करें। तो बिना किसी कोरियोग्राफर के, बिना कोई कॉस्टिंग के, और कोई तामझाम नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, ये खुला नेचुरल हवा और बाकी सारी चीज़ें जो प्रकृति की देन है, जो मानव निर्मित ये घर बना उसके आधार पे ये सारे लोगों ने उसका फ़ायदा लेते हुए कम से कम चीज़ों में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का ये नया तरीका ढूंढ निकाला है। तो एक और भी छोटा आर्टिस्ट है, उनसे जानते हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिक्की निषाद है। ये सब जो आपका लुक बना है जी, किस लिए बना? डांस के लिए मैं, ये सब चल रहा है आजकल कि डांस के लिए थोड़ा ऐसा बनाना पड़ रहा है। क्या सपना है, कहाँ जाना है डांस के लिए? डांस के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बहुत, डांस में भी। कभी मौका मिले तो कहाँ? भोजपुरी या बॉलीवुड? भोजपुरी में। कौन सा एक्टर भोजपुरी का ज़्यादा पसंद है? समर सिंह। इनके फैन मैं। तो ये पूरा लुक समर सिंह का है? हाँ, समर सिंह जो है दोनों कान में बाली पहने, मैं एक ही कान में पहने। तो ये बताओ आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? अभी 9th 10th का ही वो चल रहा है जी। तो पढ़ाई करना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कूद जाना? अभी करना भी है, वो भी करना है, दोनों तैयारी है। दोनों तैयारी है जी। इधर के गांव के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत, सभी लोग बहुत सपोर्ट। बहुत टीम में कितने लोग हैं? 9। 9 लोग हैं। तो क्या मतलब ऐसे ही वीडियो शूट होता है कि कुछ और करते हैं? बहुत कभी काम भी करते हैं। आपके टीम का मैनेजमेंट कौन देख रहा है? विकास जी से हम थोड़ा सा बात करेंगे, मैनेजर हैं ये भाई टीम के। आपकी टीम का नाम क्या है? नाम हम रखें V2N डांस। तो यूट्यूब पे भी है चैनल, किस तरह से काम करते हैं, मतलब क्यों ऐसा सोचा कि हमको इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए? देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग जब खाली है, लॉकडाउन में कुछ काम है नहीं, इसीलिए हम लोग सोचा अपना टाइम पास करने के लिए कुछ करें। सब लड़के थे तो बोले भैया डांस करते हैं, इसलिए। तो प्रमोशन के लिए जैसे कोई फंडिंग वगैरह कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट अपना कर रहे थे, मतलब जो है सो अपने समय। तो ये खर्चा कैसे निकल पाता है? मछली मारते हैं, मतलब जो आपका पुश्तैनी काम है उसी से चला रहे हैं, बाकी कैमरा तो कैमरा आपका ही। और बाकी जैसे टीम के लोग काम करते होंगे तो उनके साथ जो खर्च आता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो सब खर्चा सब मिला कर करते हैं। तो कोई कोरियोग्राफर है, कोई हमारा सब हम ही लोग हैं, सब आप ही प्रोफेशनल कोई है इसमें? नहीं, सब अपना ही सब करता है, जो कर मतलब जो अपने से समझ में आ रहा है वही कर रहा हूँ। हाँ, नहीं कोई प्रोफेशनल नहीं है? नहीं। तो और आपके टीम में कौन दमदार बनता है जिसको लेकर आप टीम में आगे बढ़ना चाहते हो? अभी तो कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, बाकी सब यही है सब। किसी और से अपना टीम में कोई और है बंदा जिसे परिचय करवाइए, कौन है? कितने लोग हैं? थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए कि इतने इनके टीम में काम करने वाले लोग हैं, बाकी अलग अलग लोग। इधर आइए भाई, आपका भैया पगड़ी वाले, क्या आपका काम करते हैं? नाम ही बता दीजिए। क्या करते आपको? क्या सहयोग करता हूँ, मतलब साथ में रहता हूँ, काम
कोई खास मतलब वैसा नहीं है, जो भी मन मिल जाए वो काम करवा देते हैं। तो अपने टीम का नाम बता दीजिए, क्या नाम है टीम को? वो V2N Dance। V2N Dance कौन सा गांव है ये? सरसौल। बलुआ घाट के सरसौल में V2N Dance टीम हमें मिली, वो छत पे अपने फिल्मी अंदाज में गाना शूट कर रहे थे। तो हम आपको यहाँ इनके साथ ले गए, इनकी कहानियों को दिखा रहे हैं। गांव में ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ पलती बढ़ती रहती हैं और मौका न मिलने पर दम तोड़ देती हैं, लेकिन ऐसे तमाम कहानियों को जिंदा करने के लिए न्यूज़ पकेट लगातार गाँव का दौरा करता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको ऐसे ही खबरों से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।